नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रचार यात्रा आज पीएम मोदी जमुई से शुरू करने वाले हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी जमुई पहुंच रहे हैं अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करने। जमुई के खैरा प्रखंड भल्लपुर गांव से आज वे जनरैली को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। लगभग 12 बजे पीएम मोदी वहां से जनरैली को संबोधित करेंगे। एनडीए के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मंच साझा करेंगे। जहां पिछली बार चिराग पासवान खुद जमुई से चुनाव लड़े थे, तो वहीं इस बार उनके जीजाजी अरुण कुमार भारती वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, तो आज खुद मोदी जी उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं, जिसके लिए आज वे जमुई आ रहे हैं। जन रैली को वहां से वे संबोधित करेंगे। जैसा कि उनका नारा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इस बार वे जीत दर्ज करेंगे, उसी के प्रयास में आज पीएम मोदी जमुई पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जमुई सीट चुनाव के पहले चरण में आता है, जिसके लिए आज पीएम मोदी प्रचार शुरू कर रहे हैं। जहां एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की जीजाजी अरुण कुमार भारती खड़े हो रहे हैं, तो वहीं आरजेडी से अर्चना रवि दास वहां से चुनाव लड़ने वाली है। उसी को लेकर के पीएम मोदी आज चुनावी प्रचार के लिए जमुई आ रहे हैं। अब देखना होगा कि उनके इस प्रचार प्रसार से कितना फर्क पड़ता है, क्या वह लोगों का जन विश्वास जीत पाते हैं। इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। जमुई में सारी जनता पीएम मोदी को अपने शहर में देखने के लिए उत्साहित है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।